विंडसर ईवी का ना यहाँ पे बेस वेरिएंट खड़ा हुआ है एक्साइड, जो कि गुड़गांव हरियाणा में 15,40,000 रुपीज ही कॉस्ट करता है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर में कोई ईवी गाड़ी लेने निकलते हैं तो उसके अंदर में ना तो आप लोग को इतना बड़ा बैटरी पैक मिलेगा और ना ही इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी कंफर्टेबल गाड़ी आप लोग को मिलेगी। जैसे मान लो मैं इस गाड़ी को पंच से कंपेयर करता हूँ, उसके अंदर में आप लोग को मिलता है 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और इसके अंदर में आ जाता है 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अब जो 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसका जो प्राइस पॉइंट जाता है वो 14,50,000 रुपीज़ आता है। वहीं इस गाड़ी का जो 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक का बेस वेरिएंट का प्राइस हो जाता है वो आप लोग का 50,40,000 रुपीज़ आता है। यानी मोटा मोटा अंतर आप देखोगे तो दोनों गाड़ियों के अंदर में 90,000 का आ जाएगा। अब 90,000 में क्या है, जो फीचर्स हैं वो भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में ज़्यादा मिलेंगे, बैटरी पैक है वो भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में ज़्यादा मिलेगी, रेंज है वो भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में ज़्यादा मिलेगा, स्पेस एंड कम्फर्ट है वो भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो अगर आप बेसिक से इसका बेस वेरिएंट लो चाहे टॉप एंड वेरिएंट लो, अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी और एक अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो जो MG की विंडसर है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे रहेगी। इस गाड़ी के अंदर में 38 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आप लोग को मिलता है, जो कि कंपनी इस गाड़ी की रेंज क्लेम करती है 332 किलोमीटर्स की। और जो MG गाड़ियाँ अगर आप इलेक्ट्रिक में लेते हैं तो उनके अंदर में रेंज की एंजाइटी आप लोग को नहीं है, जितना बोलते हैं उसे थोड़ा बहुत आप कम लगा सकते हो, रेंज गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आ जाती है। टॉप वेरिएंट का मैंने एक रेंज टेस्ट किया था, वहाँ पे इस गाड़ी ने मुझे रेंज निकाल के दी थी लगभग 230 किलोमीटर की निकाली थी जब मैंने इस गाड़ी को एक्सप्रेस वेज पे चलाया था। अगर मान लो मैं इसको हाईवे पे या फिर सिटी वगैरह में चलाते तो रेंज मुझे इस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल जाती। और MG ने एक नया सिस्टम भी निकाल रखा है बास करके, बैटरी एज अ सर्विस। इसके अंदर में आप लोग क्या है कि गाड़ी की कंप्लीट कॉस्ट एक बार में नहीं पे करनी होगी, यानी कि जैसे मान लो गाड़ी की जो कॉस्ट है वो तो आप लोग को एक बार में पे करनी पड़ेगी, बट जो बैटरी की कॉस्ट है उसको आप इंस्टॉलमेंट के अंदर में पे कर सकते हैं। यानी मान लो आपकी रनिंग भाई मंथली हो रही है 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर में प्लान अपना चूज करके वहाँ पे आप बैटरी की जो कॉस्ट है उसको आप अलग से पे कर सकते हैं। बाकी जो मैंने 15,40,000 रुपीज आप लोग कॉस्ट बताई है वो कंप्लीट कॉस्ट जो है इस गाड़ी की यहाँ पे बताई है। चार्जिंग इसके अंदर में फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगी और नॉर्मल चार्जिंग जाहिर सी बात करेगी। जैसे मान लो आप इसको घर 15 एम्पियर के सॉकेट में लगाते हैं तो ये गाड़ी 0 to 100% चार्ज होने के लिए आप लोगों का टाइम लेती है 13.5 घंटे। वहीं अगर आप इसको 7.2 किलोवाट के AC वॉल बॉक्स से चार्ज करते हैं तो वहाँ पे गाड़ी लेगी आपका 6.5 घंटे चार्जिंग टाइम। अगर आप इसको DC के फास्ट चार्जर से लगाते हैं 45 किलोवाट वाले से तो ये गाड़ी आप लोग का टाइम लेगी सिर्फ और सिर्फ 55 मिनट। और गाड़ी के अंदर में तीन वेरिएंट्स आप लोग को मिल जाते हैं, एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस। तीनों ही वेरिएंट के अंदर में आप लोग का 1-1 लाख रुपये का जो है यहाँ पे प्राइस डिफरेंस आएगा। ये बेस वेरिएंट है, आज की वीडियो में कंप्लीट बताएंगे कि इस बेस वेरिएंट के अंदर में कौन कौन से फीचर्स जो हैं आप लोगों को मिल जाते हैं। गाड़ी की कीज ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट वाली यहाँ पे मिलती है, लॉक अनलॉक और टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच यहाँ पे मिल जाता है। और जो दूसरी की आप लोग के यहाँ पे आती है ये भी बिल्कुल सेम ही मिल जाती है और स्मार्ट की जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाती है। लॉक करने पर या फिर अनलॉक करने पर जो ये गाड़ी यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं करती है। और इस बेस वेरिएंट के अंदर में भी क्या है, पूरे कनेक्टिंग वाले DRLs आप लोग गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो गाड़ी की हेडलैम्प है वो भी यहाँ पे LED के साथ मिल जाएगी, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स ही आप लोग को मिलती है। 186 mm का इस गाड़ी के अंदर में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और साइज़ वाइज देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी आप लोग को लगेगी। 2700 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, यानी कि आप इसको SUV से भी कंपेयर करोगे ना, आप स्कॉर्पियन से कंपेयर कर लेते हैं तो उससे भी ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को यहाँ पे व्हील बेस मिल जाता है। तो भाई अंदर का जो कंफर्ट है जाहिर सी बात है इसके अंदर में जो लेग रूम हुआ तो वो ऑटोमेटिकली गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा बेटर यहाँ पे हो जाता है। गाड़ी के जो ORVMs हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलते हैं, इनके ऊपर में LED इंडिकेटर्स आप लोग को मिल जाएंगे। विंडो के नीचे या फिर गाड़ी के अंदर में कहीं पर भी आप लोग को क्रोम वगैरह का यूज़ नहीं मिलेगा। वहीं जो गाड़ी के डोर हैंडल्स दे रखे हैं ये आप लोग के स्मार्ट फ्लश डोर हैंडल्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों ने टॉप एंड में देखा होगा। इनको ओपन करने के लिए क्या है, इस तरीके से करके ये आप लोग को यहाँ पे ओपन करने पड़ते हैं। फिलहाल में मेरी गाड़ी यहाँ पे लॉक पड़ी हुई है, ये मैंने किया इसको अनलॉक और फिर क्या है सीधा यहीं से जो है आपके ओपन ही हो जाएंगे। इनके ऊपर में कोई रिक्वेस्ट सेंसर आप लोग को नहीं मिलेगा गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए। चारों डिस्क ब्रेक जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे, अपोलो के एप्टेरा सीरीज वाले गाड़ी के अंदर में टायर मिल जाते हैं, 215/60 R17 इंच का जो है गाड़ी के अंदर में टायर सेक्शन मिलता है। अब मान लो आप इसको पंच से कंपेयर कर लो,
फिर भी भाई आप देखोगे ना कि यहाँ पे बड़े टायर मिल गए, बड़ा साइज जो है गाड़ी के अंदर मिल गया। और नेक्सोन से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो नेक्सोन से तो भाई काफ़ी ज़्यादा सस्ती है यहाँ पे बैठ जाती है। ऊपर की तरफ में कोई आप लोग को सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगी, रूफ रेल्स जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगी। पीछे की तरफ में कोई आप लोग को यहाँ पे डिफोगर नहीं मिलने वाला है। और जो एंटीना है ऊपर की तरफ में आप लोग को नहीं मिलेगा। जैसे आप ये लाइनिंग से देख रहे हो ना, ये इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे एंटीनास दिए हुए हैं। बाकी आप लोग को यहाँ पे हाई मोस्ट स्टॉप लैंप मिल जाएगा, स्पॉइलर जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाता है। और ये चीज़ ना भाई मैं अपने जैसे खुद से फील करके बता रहा हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो MG की आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगी। देखो मैंने चलाई MG भी है, टाटा भी है, तो मुझे जो बेटर लगा वो आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। पीछे की तरफ में LED टेल लाइट्स जो है गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जिनका सेटअप देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा यहाँ पे लगता है। पीछे की तरफ में यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स तो जाहिर सी बात है गाड़ी के अंदर में मिल ही जाएंगे। और टेल गेट को ओपन करने के लिए यहीं पे मैग्नेटिक स्विच मिल जाता है। बूट स्पेस 640 लीटर्स का जो है यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा जो है यहाँ पे बूट स्पेस दिया गया है। 60-40 स्प्लिट सीटें जो है गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। ये आप लोग का नॉर्मल चार्जर जो है इसी गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिलेगा। और नीचे की तरफ में अगर उठा के देखते हैं, स्पेयर व्हील तो शायद नहीं आएगा इसके अंदर में। स्पेयर व्हील वगैरह जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को नहीं मिलता है, पर स्पेस जो है इसके अंदर में यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। पीछे की तरफ में LED में बूट लैंप यहाँ पे दिया गया है, बट यहाँ पे कोई पार्शियल ट्रे आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। अब दिखाता हूँ भाई कैबिन के अंदर में क्या क्या चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिल जाती हैं। डोर्स को खोल लेते हैं भाई। फैब्रिक की सीट अपहोल्स्ट्री जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे आ जाती है। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है इस गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। 6 एयरबैग्स आप लोग को बेस वेरिएंट से ही मिलने लग जाएंगे। डोर में जैसे देखोगे तो वही बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट जैसी फिनिश मिलेगी, बट यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच या ऊपर की तरफ में सॉफ्ट टच इस गाड़ी के अंदर में नहीं आएगा। चारों पावर विंडो जो है यहाँ पे आ जाएंगी। ORVM के जैसे आप कंट्रोल्स देखोगे ना तो वो यहाँ पे नहीं मिलते, वो इसकी स्क्रीन से ही आप लोग को करने पड़ते हैं। 6 स्पीकर्स आप लोग को बेस वेरिएंट के अंदर में मिल जाएंगे। डेड पैडल भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी भाई इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। ये आप लोग का हुड खोलने के लिए यहाँ पे स्विच मिल गया है। जैसे आप इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो इसके अंदर भाई टिल्ट एडजस्टमेंट और टेलीस्कोपिक दोनों यहाँ पे मिल जाती है। और ये बटन वही किस चीज़ के लिए, जैसे मान लो मैं इसका ORVM यहाँ पे एडजस्ट करना चाहता हूँ तो स्क्रीन के अंदर ORVM यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। अब देखो दिखा रहा है इसमें पूरा, आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, अब क्या है जो अपना ORVM है वो यहाँ से एडजस्ट होने लग जाएगा। और राइट वाला करना हो तो इसको भाई थोड़ा सा हमें राइट में क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसको वैसे करेंगे, अब जो है अपना राइट वाला जो ORVM है वो यहाँ से एडजस्ट होने लग जाएगा। देखो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में जो टच स्क्रीन आती है ना वो थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही बड़ी सी लगती है, ऐसे लगता है पूरा लैपटॉप ही फिट करते हो। बट इस वेरियंट के अंदर में जो टच स्क्रीन डिस्प्ले दे रखी है बिल्कुल डिसेंट साइज़ के, 10 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पे आ जाती है। और इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है, बिल्कुल बढ़िया सी आप लोग को ये लगेगी। ऑटोमेटिक AC भाई बेस वेरिएंट के अंदर में आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे आप इसकी ये वाली चीज़ देखोगे ना तो इसका स्क्रीन का साइज़ भी यहाँ पे छोटा हो चुका है। ओडोमीटर है, रेंज यहाँ पे शो कर रहा है, मोड्स भी जो है गाड़ी के अंदर में यहाँ पे मिल जाएंगे। मोड्स चेंज करने के लिए क्या भाई ये मोड का बटन दबाया, नॉर्मल इको एंड स्पोर्ट्स मोड, लाइट हैवी एंड नॉर्मल, ये आपका रीजन के लिए जो है यहाँ पे दिया गया है। और गाड़ी के अंदर में ऑटो वाइपर भी आप लोग को मिल जाते हैं, जिसके कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं। इस साइड में कोई लाइट कंट्रोल नहीं मिलेंगे, अगर आप लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप लोग इसकी स्क्रीन में यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये इसके अंदर में यहाँ पे गियर सेलेक्टर जो है गाड़ी के अंदर में दिया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट है। आर्मरेस्ट के अंदर में अच्छी तगड़ा सा स्पेस यहाँ पे दे रखा है। और ये सॉफ्ट टच वाला आर्मरेस्ट जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है। नीचे की तरफ में जैसे देखोगे तो एक USB और एक सी टाइप का सॉकेट यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भरपूर सा स्पेस मिल जाता है। कंफर्ट के मामले में भाई इस गाड़ी का कोई भी मुकाबला नहीं है। कंफर्ट में तो मतलब यूँ लगा लो A1 है ये गाड़ी, बिल्कुल तगड़ी सी। और IRVM मैनुअल डे नाइट है। रीडिंग लैंप्स आप लोगों को LED के साथ मिल जाती है। पैसेंजर सेट सनवाइजर में कुछ भी नहीं है, ड्राइवर सेट सनवाइजर में भी कुछ भी नहीं मिलता है। विजिबिलिटी हो या फिर कुछ भी चीज़ हो भाई सब कुछ एक नंबर की आप लोग को मिलती है। अच्छा बड़ा सा डैशबोर्ड जो है इस गाड़ी के अंदर में दिया गया है। और सेफ्टी भी जाहिर सी बात है आप लोग गाड़ी के अंदर में मिल ही जाएगी। अब देखो आप चाहे नेक्सोन में बैठ लेना चाहे पंच के अंदर बैठ लेना, उनके अंदर में 6 फुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर दिया ना, फिर भी इतना स्पेस भाई उन गाड़ियों के अंदर में नहीं बचता जितना यहाँ पे बच चुका है। ऑल द वे बैक कर देता हूँ इसको, ऑल द वे जो है मैंने यहाँ से बैक कर दिया। अब
फिर भी देखोगे ना भाई, आराम से यहाँ पे 6-4 का बंदा आराम से बैठ सकता है। बिल्कुल फ्लैट फ्लोर जो यहाँ पे मिल जाते हैं, 110 डिग्री जो है इसकी सीट यहाँ पे रेक्लाइन हो जाती है और दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। आइसोफिक्स सीट्स भी आप लोग को मिल जाएगी और पीछे की तरफ में एयर का वेंट मिल जाएगा और काफ़ी एयरी सा कैबिन जो है इस गाड़ी का यहाँ पे मिल जाता है। पीछे वाला डोर हैंडल कुछ इस तरीके से नहीं है, मतलब सेम ही चीज़ है। और व्यू भी जो है इसके साइड विंडो से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा यहाँ पे आ जाता है भाई। तारीफ लायक है इसका प्राइस, इसका कंफर्ट, इसकी रेंज। तो मुद्दे की बात बस इतनी है, अगर आप इतना बजट लेके निकलते हैं मार्केट में तो मेरे हिसाब में आप लोग को एक बार MG विंडसर की तरफ में जरूर देखना चाहिए। बाकी जो गाड़ी की मोटर है वो 131 PHP और 200 NM का टॉर्क आप लोग को निकाल के देता है। तो यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना। अगर आप इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू, रेंज रिव्यूज़ ये सब देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर में किया हुआ है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।